सूफी सिंगर नूरा सिस्टर एक बार फिर विवादों में आ गई हैं। दरअसल एक व्यक्ति ने नूरा सिस्टर के साथ आए उनके साथियों द्वारा तेजधार हथियार से हमला करने के आरोप लगाए हैं। इस मामले की शिकायत व्यक्ति ने पुलिस को दे दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीती रात थाना 4 के अंतर्गत आते नकोदर चौक के पास देर रात विवाद होने के कारण माहौल तनावपूर्ण हो गया था। घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। मौके पर जांच करने पहुंचे थाना 4 के ASI हीरालाल ने बताया कि वे नाइट डोमिनेशन पर थे, जहां उन्हें मैसेज मिला कि नकोदर चौक के पास किसी का एक्सीडेंट हुआ है। जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि एक्सीडेंट से कुछ समय पहले ही नूरा सिस्टर्स सामान लेने के लिए अपनी टीम के साथ नकोदर चौक के पास आई हुई थी, जहां उन्हें देखकर फोटो खिंचवाने के लिए सतनाम नगर निवासी सचिन बग्गा और उनकी पत्नी नूरा सिस्टर के पास गए। जांच अधिकारी ने बताया कि उन्होंने आरोप लगाए कि नूरा सिस्टर्स के साथ आए लड़कों ने उनके साथ मारपीट की और तेजधार हथियार से उन पर वार कर दिया, जिस दौरान उसके हाथ पर चोट आई, जिसे इलाज के लिए पारिवारिक सदस्यों ने सिविल अस्पताल में पहुंचाया। जांच अधिकारी ने बताया कि पीड़ितों ने MLR कटवा घर चले गए हैं। फिलहाल उन्हें बयान देने के लिए थाने बुलाया गया है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। पता लगा कि इस तो पहला कोई बुरा सिस्टर जी है हंगरी पॉइंट से कोई समान लैन आए थे, जिसे सचिन बग्गा नाम का बंदा जिसे अंचल नाम सुने का वो आए थे। उन्होंने आस में कोई पिक लैन तो एक दूसरे का फोटो खिंचाओ तो थाना फोटो खिंचाओ नूरा सिस्टर कहनी थी मैं थाना फोटो जी नहीं खिंचाई हाँ। तो आप इन्हों का आस में झगड़ा इतने हो गया तो वो सचिन बग्गा कहता कि नूरा सिस्टर के नाल हसबेंड है समान उन्हें मेरी कुर्बान मारी हाथ से उस बाद फिर मौका तो बच गया है। सानू तो इसे मौके से नहीं घूम रहा असं अच्छे CCTV कैमरे उन्होंने चैक किए हैं जिसे तो बंद कुर्बान लैंड आना नजर आ रहा एक बंदा रेडी बाई कर रहे हैं। जब सचिन बग्गा रात उन्होंने फिर मैं थोड़ी घर बंद करके गली इलाज वास्तव सिविल अस्पताल तक कराया गया जो मतलब पट्टी करा के घर वापस कर चुका जिस समय MLR जो शिकायत बनी नहीं हुई। तो जोड़ा दूजा एक्सीडेंट वाला केस है वो गई कैमरे चेक कराया कोई बढ़ा नहीं था फिर होर गई रॉन्ग साइड जी आई है जोड़ा उस पास महंत बाबा अपने एक्टिवा से आया जी प्रकाश एक्सीडेंट होया। वित्त मंत्री पंजाब ने अकाली दल और कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि नशों के खिलाफ बोलने वाले आज इकट्ठा हो गए हैं और घटिया किस्म की राजनीति पर उतर आए हैं। RDF पर कट लगाकर भाजपा पंजाब और किसानों से बदला ले रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री का काम दूसरी पार्टी को बर्दाश्त नहीं हो रहा क्योंकि आम आदमी पार्टी ने परिवारवाद को खत्म किया है। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। सब तो पहला जो सरकार आई सी तो केंद्र सरकार ने कहा सीगा कि पुराने समय के RDF का पैसा मिसयूज हुंदा गा, यानी कि जिस काम लिए वो पैसा बनाया गा काम की है उसका कि किसानों दी मंडियां बनाउणा पिंडां दी छोटियां सड़कां बनाउणा आवाजाई के साधन पैदा करने वो जिहड़ा हैगा सीगा पुरानियां सरकारां पंजाब दे अंदर चाहे BJP अकाली दल की सरकार या कांग्रेस पार्टी की सरकार उन्हें मिसयूज करती सी उहदी दुरवरतों करती सीगी। एक इहनूं जिहड़ा हैगा सोध करने सानूं कहा गया वो असीं सोध करके जदों केंद्र सरकार कोल भेजी तो हुण कहिंदे इतने कट लाओ जी 1% करो। सो इतों पता लगता गा कि BJP पंजाब तो बदला लै रही है BJP किसानों तो बदला लै रही। देखो जलंधर के एक मंच के उत्ते सारिया राजनीतिक पार्टियां आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ एकजुट हो जाए और वो लोग जिहड़े एक दूजे को नशे के तस्कर दसदे सीगे वह लोग जिहड़े एक दूजे के गंभीर दोष लाउंदे सीगे वो अपने सियासी हितों की पूर्ति लई इकट्ठे होए नेगे। उन्होंने मर्यादा दी धज्जियां उड़ाइया और घटिया पद्धर की जी शब्दावली सी उहदी वरतों की और मैं समझना परिवारवाद तक परिवारवाद तक उन्होंने हमले किए ये राजनीति भी शोभा नहीं दिता है। पंजाब के लोग बड़े सियाने नेगे पंजाब के लोग सूझबूझ लोगों जोड़ा है वो अगे बधाते हैं। पहली बार होया कि पंजाब के अंदर एक परिवारवाद खत्म होया जिहड़ा पहला दादा जितया फिर मुंडा जितया फिर पोता जितया वो परिवारवाद पंजाब के लोगों ने खत्म किया।
जीरा पुलिस ने गत दिनों कार की हुई लूट के मामले को चंद घंटों में सुलझाते हुए दोषियों को कार सहित काबू करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीएसपी जीरा बलविंदर सिंह संधू ने बताया कि गत दिवस जीरा नेशनल हाईवे नंबर 54 पर स्थित गांव बहक पछाड़िया के नजदीक कुछ लोगों द्वारा हथियारों के बल पर कार लूट ली गई थी, जिसके बाद पुलिस द्वारा तुरंत हरकत में आते हुए चंद घंटों में ही इस मामले को हल कर लिया गया और आरोपियों को लूट की गाड़ी सहित काबू कर लिया गया है। फिलहाल आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ की जा रही है। जीरा से हलचल के लिए सतीश विज की रिपोर्ट। मानयोग एसएसपी साहब फिरोजपुर साहब भुपिंदर सिंह उन्होंने दी अगुवाई हेठ जी पोस्ट पार्टी जिसे इंस्पैक्टर सीआईए हरप्रीत सिंह फिरोजपुर उन्होंने पुलिस पार्टी के सब डिवीजन जीरा के सारे थाणिया ने जो इंसीडेंट होया मिलके असी इनू जिहड़ा हैगा ट्रेस करन दी संभव कोशिश की। संदीप कुमार जिहड़े पिपली पिंड लोहिया गोले हैगा शाहकोट पिंडा उत्थों दे अपने परिवार समेत यह अपनी स्विफ्ट डिजायर के उत्ते वंडरलैंड तलवंडी भाई बच्चों समेत जा रहे थे। जो इन्हों नैशनल हाईवे एन एच 54 से बह पछाड़िया को रोकया तो तीन कारा के उत्ते इन्होंने रोकया गया। एक जी है स्विफ्ट सी, एक आल्टो सी, एक जी है होर कार सी उत्ते ब्रीजा सी, जिदे उत्ते इन्होंने तिना कार कवर कर लिया। उन्होंने बच्चों तो उन्होंने बहर कड़ता तो जी वाइफ सी संदीप जी वो हाथ के उत्ते भी इन्होंने सट मारी कापे नाल जिहड़ा हैगा उत्थे वास कीता और बड़ी तेजी दे नाल इह जिहड़ी उत्थों गड्डी खोह के लै गए। उह संदीप कुमार दे बयान ते असीं पर्चा दर्ज कीता। उस तों बाद असीं वख-वख टीमां बना के एस एस पी साहब दी हिदायत दे उत्ते असीं जिहड़े हैगे आ इलाके दे विच फैल गए। तां असीं इहनां नूं चार जिहड़े पंज मेन दोषी सीगे उहनां नूं विद गड्डी जिहड़े चार दोषी आ जिहड़ा कि जिन्हां च इक राजन सैफ अली शाह आ जिहड़ा कि पी एस मखू च पैंदा हैगा, दूजा भी इंद्रजीत सिंह खन्ने का, मनजीत सिंह भी सैफ अली शाह का, ते संदीप कुमार तारे वाला थाना मखू दे विच इन्हां नूं असीं अरैसट कर लिया। पंजाब स्टेट फाइड रेटेड चैस चैंपियनशिप की ओर से अमृतसर डिस्ट्रिक्ट चैस एसोसिएशन के सहयोग से चेस प्रतियोगिता में 170 प्रतिभागियों में से पहले चार स्थानों पर आने वाले खिलाड़ियों को ट्रॉफी और नकद इनाम दिया गया। इसके अलावा भाग लेने वाले खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर एसोसिएशन के रोहित शर्मा ने बताया कि इस प्रतियोगिता में पंजाब के अलग अलग जिलों से 170 के करीब खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिनमें सबसे कम उम्र का खिलाड़ी 6 वर्ष का है। उन्होंने कहा कि आजकल मोबाइल के कारण बच्चों में खेलों के प्रति रुचि कम होती जा रही है। माता पिता को अपने बच्चों का ध्यान मोबाइल से हटाकर इस तरह के खेलों की तरफ लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस चैंपियनशिप में जो खिलाड़ी पहले 3 स्थानों पर आए हैं उन्हें पंजाब स्टेट की ओर से चेस चैंपियनशिप के लिए भेजा जाएगा। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। अज अमृतसर के 3 दिन तो चल रहा चैस टूरनामेंट खत्म होया तो ये बहुत खुशी की गल है कि पूरे पंजाब भर के 200 तो ज़्यादा प्लेयर्स ने अमृतसर के चैस चैंपियनशिप के पार्ट लिया है और सब छो देखने सब तो वधिया चीज़ यह सी कि 6 साल तो लैके सारे बच्चे ये खेल रहे सन और माँ प्यो उन्होंने नाल आए हुए सन। जिस तरह अज के टाइम के बच्चे मोबाइल यूज़ करते हैं या वीडियो गेम्स वाल जाते हैं तो चैस एक ऐसी गेम है कि बच्चा एक तो घर के बैठ के खेल सकता है और अपने पेरेंट्स के नाल भी इस चीज़ को इंजॉय कर सकता है। अमृतसर में राष्ट्रीय गोरक्षा महासंघ की शुरुआत की गई। इस अवसर पर डॉक्टर रोहन मेहरा ने कहा कि आज भी सैकड़ों की संख्या में गौ माता सड़कों पर घूम रही है और कचरा खा रही है। इसी को देखते हुए राष्ट्रीय गोरक्षा महासंघ बनाया गया है, जिसमें पूरे देश के प्रत्येक राज्य में संगठन के सेवादार होंगे जो गौ माता के उपचार और उन्हें सही जगह पर रखने का उचित प्रबंध करेंगे। संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रोहन मेहरा ने बताया कि वे अगले 5 वर्षों में अमृतसर की सड़कों पर एक भी गौ माता को नहीं रहने देंगे और ना ही उन्हें कूड़ा करकट खाने देंगे, क्योंकि कूड़ा करकट खाने से बहुत सी गौ माताओं
माताओं की जान चली जाती है, जो कि गौ माता प्रेमियों के लिए शर्म की बात है। उन्होंने कहा कि उनके संघ के सदस्य हर दिन रात्रि 9 बजे के बाद सड़कों पर घूम रही बेसहारा गौ माता की सेवा करेंगे। जहाँ भी कोई गौ माता कूड़ा करकट खा रही होगी, वहाँ से गंदगी को साफ करेंगे और गौ माता को हरा चारा डालेंगे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। आज जिहड़ा साडा मेन मकसद है, सब तो पहला तो मैं दसना चाहवागा कि असल अज जिहड़ा वा राष्ट्र गौ रक्षा महासंघ की शुरुआत कर रहे हैं। जिहड़ा काउंसल है पूरे इंडिया दे विच वक्रियां वक्रियां स्टेट्स दे विच लागू किया गया, जिवें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ वगैरह जिहड़े स्टेट्स ने उन्होंने स्टार्ट किया गया सी। लेकिन हाले भी जिहड़ा पंजाब दे विच सब तो ज़्यादा जिहड़ा काउंसल है वो इकट्ठा भी हो रहा, तो सब तो पहला इंप्लीमेंट भी इत्थे पंजाब च किया गया सी। एक जरा असं रफ आइडिया लीए तो पूरे पंजाब दे विच 1,40,000 के करीब जिहड़ियां गौवां ने सड़कों के उपर घूम रही ने, जिहदे विच 300 के करीब जिहड़ियां गौवां ने करीब करीब 2 साल के एक्सीडेंट के नाल उन्हां दी मौत होंदी है, उहदे नाल नाल 350 के करीब लोगों की भी मौत होंदी है। गल करिए असं अमृतसर की, अमृतसर की असं गल करिए तो पर्टिकुलर जिहड़ा डाटा वा साडे अमृतसर दे किसी भी डिपार्टमेंट कोल नहीं हैगा कि सड़क दे उपर सिटी दे विच गौवां किन्नियां ने ते सिटी तो बाहर किन्नियां ने। हाँ जी, मैं संत संदीप नवाब शाह, भारत प्रमुख जय भारत राष्ट्रीय संगठन। और अज तरह डॉक्टर रोहन मेहरा जी ने दसिया भी राष्ट्रीय गौ रक्षा महासंघ जिहड़ा ने निर्माण किया आ, बहुत ही खुशी की गल है और बड़े ही माण की गल है। वैसे तो असं बड़े समय तो देखते आ रहे हैं भी रोहन मेहरा जी अपनी पूरी टीम के नाल दिन रात लगातार गौ माता की सेवा कर रहे हैं, पर हूँ जिहड़ा इन्हों उपराला किया तो बहुत ही हाई लेवल का उपराला हो गया। मैं अपने जय भारत राष्ट्रीय संगठन वालों इन्ना जरूर कहूँगा भी जिथे भी साड़ी लोड़ पैंदी है दिन रात किसी वेले भी साडा पूरा संगठन इन्हों के नाल खलोता है। और मैं अगे भी इन्होंने गल की सी, असीं बड़ी जल्दी ही एक अपने जय भारत संगठन वालों एक उपराला करन जा रहे हैं। गवों को लैके जाने का जी जख्मी गवं होंगे ने लैके जाने का एक बड़ा बड़ा एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है भी लैके किस तरह जाना है। असं वादा किया भी बड़ी ही छेती असी अपने जय भारत संगठन वालों एक छोटा हाथी इन्हों के इस मंडल में असं गिफ्ट करांगे। अमृतसर मराठा समाज की राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ केशव शाखा और गणेश उत्सव मंडल की ओर से छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के उत्सव पर रक्तदान, नेत्रदान और निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया। इस अवसर पर लगभग 76 के करीब लोगों ने रक्तदान किया और लगभग 65 मरीजों की मेडिकल जांच की गई। इस अवसर पर राजेश सदाना ने कहा कि रक्तदान महादान है, लोगों को रक्तदान शिविरों में अधिक से अधिक रक्तदान करना चाहिए जिससे मरीजों की जान बच सके। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर राजेश सदाना स्टेट वाडी, अज गणपति महाराज गणपति मंडल वालों छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्यभिषेक के उपलक्ष्य के गणपति मंदिर वहींवाल बाजार के ब्लड डोनेशन आई डोनेशन कैंप लगाया गया वै, जिस विच मराठा समाज के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सारे कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिता वै, युवा पीढ़ी ने और मातावान भैनों ने भी इतने इस कैंप के ब्लड डोनेट किया वै। हूँ तक लगभग 75 यूनिट डोनेट हो चुके हैं और उम्मीद है होर इस तो वध होणगे। ते नौजवानों नूं इह संदेश है कि एक तंदुरुस्त आदमी हर 3 महीने बाद अपना ब्लड डोनेट कर सकता वै। मेरा नाम एडवोकेट भारत शर्मा, मैं नगर कारवा शीतला नगर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। देखो जी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अपने राष्ट्र के जिन्हें भी त्यौहार सारे मनाता है, विशेष तौर पर 6 त्यौहार है, वह 6 त्यौहार जो है सा दूसरा त्यौहार है हिंदू साम्राज्य दिवस। इस दिन छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक होया सी। वन महोत्सव दिवस पर नगर कौंसिल धूरी की ओर से पौधे लगाए गए। इस संबंध में जानकारी देते हुए ईओ धूरी मोहित शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री के ओएसडी प्रोफेसर ओंकार सिंह की अगुवाई और नगर कौंसिल के प्रधान के सहयोग से विरासती पौधे लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 25 से 30 पौधे लगाए जाएंगे और बरसाती सीजन के दौरान नगर कौंसिल द्वारा 250 और पौधे लगाए जाएंगे।
ये पौधे शहर के अलग अलग स्थानों पर लगाए जाएंगे ताकि शहर का वातावरण बढ़िया बन सके। इन पौधों की देखरेख नगर कौंसिल धूरी द्वारा की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि वातावरण को शुद्ध बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति पौधे लगाए। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। आज वातावरण दिवस से बड़ा शुभ दिहाड़ा है। साढ़े नाल प्रोफेसर साहब जुड़े ने, प्रधान जी होर शहर तो कौंसलर साहबान सारे पतवंते सज्जणा का असीं धन्नवाद करते हैं। अज वातावरण दिवस मना रहे, इहदे विच विरासती बूटे लगाए जा रहे हैं जिवें कि निम, तूत, टाली ते पिप्पल, अजिहे बूटे जिहड़े कि लोप हो रहे ने, यह वातावरण नूं स्वच्छ रखण च सहायता करनगे। तो असीं सब का धन्नवाद करते हैं। अज यो साहब किन्ने कु बूटे दा टारगेट है जो अज लाउण दा हैगा? अज घट्टो घट 20-25 बूटे लावांगे। तो कुल बरसाती सीजन के दौरान 200-250 बूटा शहर के वख वख थावां ते लाया जाऊगा, जिदे नाल कि शहर का वातावरण जिहड़ा है वधिया बन सके। लोग भी वध तों वध अपने आले दुआले अलग तौर पर भी बूटे लगा सकते हैं तो वातावरण को साफ रखने में सहयोग देन। स्वच्छ भारत के भी नगर कौंसल अपील करती है कि सहयोग दिता जाए। अज वण उत्सव के दिहाड़े ते मैं सारयां नूं पहलां तां बहुत मुबारकबाद दिंदा। ये दरख्त जिहड़े लाए जा रहे हैं नगर कौंसल धूरी वल्लों लाए जा रहे हैं, जिदे विच प्रधान जी भी हाजिर ने, ईओ साहब भी हाजिर है, साडा सारा स्टाफ हाजिर है, सारे साडे एमसी साहबान हाजिर ने। सब तो पहला बूटा साडे ओएसडी साहब प्रोफेसर ओमकार जी दे हत्थों लवाया गया, तो बड़े शुभ समय दे विच। और लोगों भी असीं तां यही अपील करांगे भी सारे एक एक दो दो दरख्त अपने घरे अपने आले दुआले सारे लाण, जिदे नाल वातावरण शुद्ध होवे और अपने लोगों नू अपने बच्चों नू रिलीफ मिले। देश भर में पहलवानों के हक में सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी को लेकर रोष प्रदर्शन लगातार जारी हैं। तो वहीं नाभा में भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा की ओर से नाभा के मुख्य चौक पटियाला गेट में सांसद बृजभूषण शरण सिंह का पुतला फूंक कर रोष प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने मांग की कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई कर तुरंत उसे गिरफ्तार किया जाए ताकि महिला पहलवान और देश की बेटियों को इंसाफ मिल सके, नहीं तो आने वाले दिनों में संघर्ष को और तेज किया जाएगा। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। आईवीवाई अस्पताल अमृतसर ने किडनी ट्रांसप्लांट सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इस मौके पर अस्पताल के जीएम ऑपरेशंस संजय राय ने कहा कि क्रोनिक किडनी रोग से पीड़ित मरीजों को अब अमृतसर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वे अब अमृतसर में किडनी ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि आईवीवाई अस्पताल अमृतसर में किडनी रोग और किडनी ट्रांसप्लांट की रेंज के लिए डायग्नोसिस मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट प्रदान करने के लिए स्पेशलाइज्ड है। उन्होंने कहा कि उनकी टीम गुणवत्तापूर्ण उपचार सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक रूप से काम करती है और व्यापक देखभाल प्रदान करने में माहिर है ताकि रोगी तेजी से ठीक हो सके और उस तरह का जीवन जी सके जैसा कि वे किडनी की बीमारी होने से पहले जी रहे थे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया हूँ कि ये बताने के लिए कि हमारे यहाँ किडनी ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी स्टार्ट हो गई है। अब अमृतसर के मरीज को अमृतसर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, सारी सुविधाएं आईवी हॉस्पिटल अमृतसर में उपलब्ध है। पूरे अमृतसर में आईवी हॉस्पिटल ही है जहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट के लिए हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से लाइसेंस मिली हुई है कि हम सारी ट्रांसप्लांट फैसिलिटी यहाँ पर शुरू कर सकें। और जो इसका खर्चा होता है 6 से 6.5 लाख की खर्चिया होती है, उसमें सारे कवर होते हैं, प्री ट्रांसप्लांट वर्कअप, ट्रांसप्लांट और पोस्ट ट्रांसप्लांट का जो सारी चीज़ें हैं सारी खर्चे। डॉक्टर एच के इमरान है, हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट है, ये नेफ्रोलॉजिस्ट है, सारा देखते हैं, वर्कअप वगैरह देखते हैं सारे मरीज की कि पेशेंट फिट है कि नहीं सर्जरी के लिए। और डॉक्टर पारस सैनी है, ये ट्रांसप्लांट सर्जन है, ये सर्जरी करते हैं, ट्रांसप्लांट सर्जरी करते हैं। तो सर उसमें लंबा प्रोसीजर होता है अप्रूवल लेने के लिए, एक तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, उसकी कमेटी बनती है, 3 लोगों की कमेटी होती है, वो पूरा एक बार पूरी फैसिलिटी का देखते हैं कि हमारे पास सारी फैसिलिटी है कि नहीं है, अगर जहाँ पे कमी होती है तो अपनी रिकमेंडेशन देते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए। उसके बाद वो कमेटी अपनी रिकमेंडेशन मोहाली भेजती है, वहाँ पे कमेटी बैठी होती है, सारा वो देखते हैं, रिव्यू करते हैं, उसके बाद उनके अप्रूवल के बाद ये दिल्ली जाती है।
सतगुरु कबीर जी महाराज का 625वां प्रकाश दिवस सतगुरु कबीर मंदिर ईश्वर नगर में बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक मनाया गया, जिसमें आचार्य जगदीश दास ने अपनी वाणी के माध्यम से सतगुरु कबीर जी महाराज की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को गुरु चरणों से जोड़ा। इस मौके पर अनहद वाणी जत्थे ने सतगुरु कबीर साहिब जी के शब्दों का गुणगान भी किया। इस अवसर पर मंदिर कमेटी के प्रधान उमेश कुमार, कैशियर अशोक कुमार भगत, जनरल सचिव मोहिंदर भगत, दिनेश कुमार, राजेंद्र कुमार, सुरेश कुमार, अशोक ठाकुर, नरेंद्र कुमार, मंजीत सिंह सेठी, रोशनलाल, हर्ष कुमार, जगमोहन पाल, डॉक्टर नरेश ठाकुर सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन दविंदर की रिपोर्ट। सब तो जो हिंसकी प्राणी ने वो भी अपने बच्चे नु पाल ले, शेर है, चीता है, मगरमच्छ है, वो कितने प्राणी है। लेकिन जो जहरीला है सब जड़ा उस सत्संग ने अपने बच्चे नु आप ही खा लिया। जो हिंसकी जिद क्रोधी है वो भी अपने बच्चे नु प्रेम करता है। मोह तो बिना औलाद पाली नहीं जा सकती। क्रोध जरूरी है लेकिन हद दे विच। नहीं तो कथा है ना कि वो सर्प नूं कहा भी तू किसी नूं डंगना नहीं, किसी नूं डंग नहीं मारना, तो जिहड़ा उहदे उत्ते पैर रखे लंघी जाए। एक ने वेख्या रस्सी पई उहनूं वट के ते लकड़ा बन लिया तो सिर ते रख लिया, एक उहनूं आट सी कि उहनूं डंगना नहीं डसना नहीं, तो जो सुटिया तो लहू लुहान हो गया। तो परमात्मा ने कहना कि एक ही गीता मैं मना करता कि तुम कुछ नहीं करना, तो मेरा हाल देख लो। अगर जेड़ा बंदा बहुत ही शरीफ है ना तो सार संग जी उन्होंने लोग की कदर नहीं करना। तो थोड़ा दिया वो कहने पर की मैं करा, कहने थोड़ा पुंकार दूर रखा करा, थोड़ी डराना जरूर है। सार संग जी घर भी थोड़ा जा रखना पैदा नहीं ताई काम चल रहा है। तो सतगुरु कबीर साहब कहते भी पंजे चोर तेरे घर लुटते ने पे, लुटते की ने पे साडा ज्ञान लुटते ने, आत्मा खांदे ने पे। जिदा कोई कीड़ा लग जाता लकड़ी लग जाता लगत नजर तो नहीं आता पर अंदरों अंदरों खोखला कर देता है, चिंता लग जाए। चिंता भी चिंता बराबर कही है। तन कबीर जय कबीर, तन कबीर जय कबीर, अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भलै कौ मंदे। तन तन सतगुरु कबीर महाराज जी का प्रकाश दिवस जो कि बड़ा श्रद्धा पूर्वक सतगुरु कबीर मंदिर ईश्वर नगर विच मनाया गया। उहदे तो उपरांत संध्या फेरी जो कि इतों सतगुरु कबीर मंदिर ईश्वर नगर विचों कढ़ी गई, उपरांत जो सतगुरु कबीर महाराज जी के संबंध के 625वें प्रकाश दिवस से प्रभात फेरियां जो कि सतगुरु कबीर मंदिर ईश्वर नगर वालों कढ़िया गई, थां थां लंगर लगा के सतगुरु कबीर महाराज जी के जो 625वां प्रकाश दिवस है थां थां संगतां ने लंगर लगा के प्रभात फेरियां दा निघा स्वागत किया। संध्या फेरी ते थां थां लंगर जल दी छपील कुल्फियां दा लंगर थां थां जो कड़ा प्रसाद
जो लंगर लगा के थां थां निघा स्वागत किया गया। धन धन सतगुरु कबीर महाराज जी के 625वें प्रकाश दिवस से सतगुरु कबीर मंदिर ईश्वर नगर समूह संगत जो है लख लख वधाई देंदे हाँ। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से। जीरा के कसवाना रोड पर मोटरसाइकिल और कार में हुई भीषण टक्कर, एक व्यक्ति की मौत, एक बच्चा गंभीर घायल। सुनाम के स्टेडियम के नजदीक मोटरसाइकिल सवार युवकों ने दिन दिहाड़े एक युवक की जांग पर मारी गोली, घटना सीसीटीवी में हुई कैद। नाभा में एक युवक पर 6 लोगों द्वारा हमला करने की वीडियो हुई वायरल, पुलिस ने एक आरोपी को किया काबू। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।